लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तेरे भाई का छोटा सा घर। छोटे से घर को क्या देखना भैया, मैंने तो भैया का बड़ा सा दिल देख लिया, जिसने रात दिन एक करके मेरी आंखों की रोशनी दिलवाकर मुझे नई जिंदगी दी। बस अब जब तक मैं जिंदा रहूंगी सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को देखती रहूंगी। हे, ससुराल नहीं जाएगी क्या? अब तो बस जल्द से जल्द मुझे अपनी बहना की शादी की तैयारी करनी है। तुझे इन हाथों से डोली में बिठाकर विदा करूंगा, तब जाकर मेरा सपना पूरा होगा। क्यों माँ? हाँ बेटी, लेकिन पहले मैं मेरी मन्नत तो पूरी कर लूँ। मन्नत? हाँ, मैंने दुर्गा माँ से मन्नत मांगी थी, अगर रजनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं नंगे पांव मंदिर जाकर दुर्गा माँ की मूर्ति को दूध से नहलाऊंगी। माँ, मैं मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ, तुम दोनों भाई बहन बातें करो। भाई, मैं पहली बार तुम्हारे हाथों से गर्मा गर्म चाय पीना चाहता हूँ। मैं हाथ में धोता हूँ, तू चाय बना। हा? अभी लाई भैया। तुम? हाँ मैं। अगर हिले या आवाज निकाली मैं तुम्हारी खोपड़ी लपेट दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप चाप हमारे साथ यहां से चलो। अगर तुमने अपनी हलक से आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे भैया की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। मैं इसे लपेटता हूं, क्या बुलबुल है। हरामजादे! ले जाओ इसे। Thank you.
तू मुझे मारना चाहता है ना, लेकिन तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, समझा? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जिस तरह राणा ने सोनू की लाश को पेटी में डालकर भेजा था, आज उसी तरह तेरी लाश भी राणा को उसी पेटी में भेजूंगा, समझा? बेटे, मैंने मंदिर से आते ही देखा कि रजनी बेहोश पड़ी। अभी अभी होश में आते ही मेरा शक यकीन में बदल गया। रजनी जहर मांग रही है बेटे, उसे फंदा चाहिए मरने के लिए। लेकिन हुआ क्या माँ? एक इज्जती तो औरत की दौलत होती है बेटे, वो भी वो कमीने लूट कर चले गए। मेरी बेटी तो पहले से बेसहारा थी, अब तो तबाह भी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मां। क्या बात है जो? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए और अपनी आंखों को जरा अच्छी तरह से खोल कर देखिए। यह दुनिया उसी के कदमों में झुकती है जो इस दुनिया को अपने जूते के नीचे रौंद देता है। सीधी और सच्ची राह पर चलने वाले का अंजाम देखिए। क्या बात है जय, मुझे साफ साफ कहो। साफ बात यह है कि उस कमीने ने इसकी इज्जत लूट ली। क्या? मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। उसे सजा दिलवा के मेरी बेटी की इज्जत आबरू वापस आ जाएगी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। जो बात घर की है उसे घर में रहने दीजिए। नहीं चाहिए मुझे थाना पुलिस कचेरी। हाँ, कल तक ये अंधी थी और आज जब इसने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा तो इस बेरहम दुनिया ने इस बेचारी का सब कुछ लूट लिया। जब तक तुम्हारा कानून इसे इंसाफ दिलाएगा तब तक
तब तक ये बेरहम दुनिया इस बिचारी को ताने मार मार कर मरने पर मजबूर कर देगी। कहीं किसी किताब में तुम्हारे कानून में ये लिखा है कि जिस लड़की की इज्जत लुट जाए तो कौन थमेगा उसका हाथ, कौन डालेगा ऐसे गले में मंगलसूत्र? हाँ जवाब दीजिए इंस्पेक्टर साहब, जवाब दीजिए, कौन करेगा इसके साथ शादी, कौन करेगा इसके साथ शादी? मैं करूंगा इसके साथ शादी, मैं भरूंगा इसकी मांग में सिंदूर। इंस्पेक्टर साहब हाँ जय, टेलीफोन उठाकर खामोश रहना मर्दों का काम नहीं डीके, और फिर हम रिक्कू की करतूतों से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो। और ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूँ? बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो कि साथ साथ रिक्कू की अर्थी भी तैयार रखें, 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालेंगे। राणा साहब हमें सब मालूम है जय, इसीलिए हम डीके और रिक्कू को 24 घंटे में खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। राणा साहब कल रजनी की शादी है। हम ये भी जानते हैं जय, इंस्पेक्टर खन्ना इन सब बातों के बावजूद रजनी से शादी कर रहा है, एक नेक इंसान होगा। शादी की रस्म तुम अदा करना, कन्यादान हम करेंगे, जाओ शादी की तैयारी करो। जी कल डोली तो शहर में एक उठेगी, लेकिन लाशों को कंधा देने वाले कम पड़ जाएंगे। और ये शादी राणा की बर्बादी का ऐलान है। रिकू को खबर कर दो इस शादी में एक वारदात होनी चाहिए, और वो वारदात इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि राणा अपनी इकलौती तमन्ना को साथ लेकर ऊपर चला जाए।